नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कर्मयोगी विद्या निकेतन सरकार के कानूनों को ताक पर रखते हुए फर्जी तरीके से एक सरकार का हवाला देकर फीस वसूलने का फर्जी नोटिस जारी करता है। प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा में शामिल होने का हवाला देकर लगभग 250 बच्चे स्कूल में टेस्ट दिलाते नजर आए हैं, जो कि आपको साफ तौर से वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वहीं जब हमारी मीडिया की टीम पहुंची तो स्कूल के बैक गेट से बच्चों को अनाज की तरह रोड पर छोड़ दिया गया। जब बच्चों से पूछा गया तो वही बच्चों ने बताया कि हम स्कूल में टेस्ट देने आए थे। जिसकी टेस्ट स्कीम बच्चों को भेजी गई थी, वही अधिकारियों से वार्ता की गई तो अधिकारी ने बताया कि अगर मुझे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली तो मैं कार्यवाही जरूर करूंगा। कानपुर में लगभग इसी तरह से स्कूल वाले काला कारोबार और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से कानपुर के सभी स्कूल इसी तरह से फीस वसूलने का काला कारोबार कर रहे हैं।